गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज मिसेस पूनम चौधरी. टुडे इज सोशल साइंस टर्न. आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड बुक एक्सरसाइज ऑफ पीटी फर्स्ट सिलेबस. नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी विद एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन लर्न इजिली. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर वन ऑफ ज्योग्राफी. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अवर एनवायरमेंट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द एनवायरमेंट. वॉट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट अवर अर्थ एज द यूनिक प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट. वी ऑल लाइव ऑन द अर्थ. हेयर वी फाइंड एवरीथिंग दैट वी नीड टू लाइव सच एज वॉटर, एयर, लैंड, फूड एक्सेट्रा. But where we live, a number of other things exist around us. These include teachers, peons, classmates, trees, grass, wall, school, bus, books, bench, pen, pencil, etc. If you observe these things, you will find that some are alive while others are lifeless. कुछ तो इनमें alive होती हैं, जिंदी और जीवित चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि lifeless हैं. Also, some are naturally available. इसी तरह से कुछ नेचुरली हैं और कुछ ह्यूमन मेड्स होती हैं. वेदर दीज आर नेचुरल और मैन मेड, वी नीड देम इन अवर डे टू डे लाइव्स. दीज थिंग्स दैट सराउंड अस टुगेदर फ्रॉम अवर एनवायरमेंट. दस एनवायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. दिस इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द लैंड वेयर वी लाइव एंड द फूड वी ईट. द वर्ड एनवायरमेंट comes from the word, French word environner. आपका जो environment word है वो एक French word environner से लिया गया है. That means surround या neighborhood. Okay, जिसका means है आपके आस पास का घेरा या फिर आपके आपका पड़ोस. So the environment means everything such as human beings, plants, animals, land, water and air. विच सराउंड अस, इस तरह से जो भी चीजें हमें अपने आसपास हमारे घेरे हुए हैं, हमें जैसे चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, लैंड हो, वाटर हो, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक एनवायरमेंट. इन सिंपल टर्म्स, वॉट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग इज कलेक्टिविटी कॉल्ड एनवायरमेंट. ओके, इस तरह से जो भी हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको हम क्या कहते हैं? हमारा एनवायरमेंट. The surroundings environment can be divided into two parts, human made environment and natural environment. And natural environment is also divided into two parts, biotic and abiotic environment. Biotic environments included humans, plants and animals. And the abiotic environments includes land, water and air. It is also called lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. You can see in this picture component of our environment. This is the natural component and this is the man-made components. The natural components is living organism, biosphere, land, lithosphere, air, atmosphere, water, hydrosphere and man-made buildings, park, industry, bridge, road and monuments.